रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म बाटला हाउस जो निखिल अडवाणी की अपकमिंग फिल्म है उसमें जॉन अब्राहम ने किया रिप्लेस सैफ अली खान को। क्या है ये पूरी स्टोरी, आइए देखते हैं। सैफ अली खान के लिए है एक बुरी खबर। निखिल अडवाणी की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बाटला हाउस के लिए सैफ अली खान का नाम कुछ दिनों पहले सामने आया था, लेकिन अब खबर आई है कि निखिल ने इस फिल्म के लिए जॉन अब्राहम का नाम फाइनल कर दिया है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। अब प्लैनेट बॉलीवुड को सैफ के इस फिल्म से अचानक आउट होने का रीजन पता चला है। दरअसल सैफ अपनी पिछली कुछ फ्लॉप फिल्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे में उन्होंने निखिल अडवाणी को कुछ वक्त के लिए वेट करने के लिए कहा, क्योंकि सैफ अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के रिस्पॉन्स के बाद ही अपने नेक्स्ट फिल्म पर डिसीजन लेना चाहते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि बाटला हाउस के मेकर्स सैफ के लिए इंतजार करने के मूड में नहीं थे और इसीलिए अब जॉन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। भाई सैफ अली खान को सेफ प्ले करना थोड़ा महंगा पड़ गया, और जैसे कि आप कह रही थी मोहतरमा, कभी कभी किसी का नुकसान किसी का फायदा हो जाता है, तो सैफ का नुकसान जॉन का फायदा हो गया यहाँ पे। बाटला हाउस एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, यू नो। मैं उसी दिन सोच रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि बॉलीवुड में जो है आजकल एक ट्रेंड चला आ रहा है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड जो है काफी फिल्में आप देख लो पिछले लास्ट 10 ईयर्स अगर आप देख लो, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहां पर फिल्में बन रही है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर, लाइक नीरजा हो गई, आरुषि तलवार मर्डर केस हो गया, देन रुस्तम हो गई, आई मीन हाउ कैन आई फॉरगेट अक्षय कुमार। इनफैक्ट जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु जो है वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। यस, जो की बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। लेकिन बात करते हैं बाटला हाउस की। सो ऑपरेशन बाटला हाउस हुआ था 19 सितंबर 2008 में दिल्ली में, जहाँ पे दो टेररिस्ट मारे गए थे। सो उस इंसिडेंट को इस मूवी के थ्रू दिखाया जाएगा एंड जॉन अब्राहम विल बी प्लेइंग द मेन लीड। एब्सोल्युटली, और यहाँ पर तीन एंगल्स दिखाए जाएंगे। एक पुलिस का एंगल दिखाया जाएगा, दूसरा जो लोग वहां मौजूद थे, और तीसरा जो लोगों को वहां लग रहा था कि सीरियल की शूटिंग हो रही है और उन्होंने फायर्स देखे थे जहां पर गन के शॉट्स देखे थे, बट उनको लग रहा था कि शूटिंग चल रही है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हेन दिस फिल्म गोज ऑन फ्लोर। बट आई वाज आल्सो यू नो गिविंग अ थॉट ऑन दिस स्टोरी, जहां पर मुझे ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड में स्टोरी की कमी है इसलिए लोग जो है आजकल रियल लाइफ इंसिडेंट और बायोपिक का रूट ले रहे हैं। नहीं, आई पर्सनली फील ये बहुत अच्छा रूट है। अगर कमी है और ये रूट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रूट है। देखिए क्या होता है ना, ये हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता। बताइए, नीरजा मूवी से पहले आपको पता था दैट यू नो देयर वाज अ गर्ल जिन्होंने फ्लाइट में इतना कुछ कर दिया, या फिर अभी जो राजी मूवी आई, क्या उससे पहले आपको पता था कि एक यू नो एक लड़की है वो शादी करके पाकिस्तान चली जाती है देश के लिए। इन हीरोज के बारे में हमें पता ही नहीं है। एंड अगर जैसा कि आप कह रही हैं यू नो स्टोरीज की कमी, और क्या इसलिए वो ये रूट ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता स्टोरीज की कमी है, लेकिन ये जो रूट लिया है बहुत सही रूट लिया है। एंड यू नो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल जो कि इन रियल लाइफ स्टोरीज को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं और रियल लाइफ हीरोज हैं।